स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टुडे आज हम हमारे कंप्यूटर के क्लास में कौन सा चैप्टर सीखेंगे? चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट कंप्यूटर। हमारा 4 नंबर का चैप्टर क्या है? एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल क्या है? आपने देखा होगा आपकी स्कूल में, ठीक है, हमारा डेली टाइम टेबल होता है, ठीक है। वो टाइम टेबल का जो टेबल है हम क्या कर सकते हैं एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? टेबल बनाकर हम हमारा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट से मार्क होते हैं, उसका टोटल होता है, उसका क्या होता है परसेंटेज होता है, एवरेज होता है, ठीक है, और रैंक होता है। तो ये सब एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं? आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल का यूज क्या है? टेबल बनाकर हम हमारा डेटा क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल की जो डेफिनेशन है वो एक्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो एक्सेल, व्हाट इज एन एक्सेल? एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एक्सेल क्या है? प्रोग्राम का एक पार्ट है। उसे क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट और वर्कशीट, ठीक है। एक्सेल की लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट और वर्कशीट, ठीक है। एक्सेल इज अ, ये आपको क्या करना है, याद रखने का है कि व्हाट इज एन डेफिनेशन ऑफ एक्सेल। एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड स्प्रेडशीट और वर्कशीट। एक्सेल क्या है? प्रोग्राम का पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट या तो वर्कशीट, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि हम एक्सेल कंप्यूटर में कहां से जाकर कब किस तरह खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका स्टेप मैं यहां पे आपको दिखाती हूँ कि आपको एक्सेल में जाने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करना है, अच्छे से याद रखना।
तीसरा कौन सा है? रिबन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं एक्सेल में करने के लिए, ओके। उसके बाद आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के बाजू में वाला जो बॉक्स है वो क्या है हमारा? तो बार है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर आपको इस तरह दिखाई देगा, ये जो हमारा है 1 2 3 वाला
the program. टाइटल बाल रन कर रहे हैं हमसे, ठीक है? तो सेंटर में जो ये हमारा है लिखा हुआ भगवान माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ये हमारा नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है? इस तरह ये आपको फोर इस तरह के दिखाई देंगे, ठीक है? तो ये वाला जो है करते हैं। अब यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे इस बटन को प्रेस करके।
सेव किया है वह यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने फाइल सेव नहीं की है, बाय डिफॉल्ट क्या है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है सेव टू रीडू न्यू, ठीक है। उसके बाजू में भी है स्टार्ट मेनू जैसा बटन, ठीक है। वहां पर से भी आप सेव कर सकते हैं, अपने जो फाइल सेव करके बने हैं ओपन कर सकते हैं और न्यू फाइल में न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, न्यू एक्सेल फाइल। इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है हमारा मिनिमाइज, उसके बाद रिस्टोर डाउन और उसके बाद क्लोज बटन, उसे क्या बोलते हैं क्लोज बटन। क्या एक्सेल है, एक्सेल के अंदर कितने बार है और बार के